थोड़ा सा धूप का शैडो अब आपको दिखाई देने लग गया है। मैं बता देता हूँ कि सन का शैडो है अभी यहाँ आ रहा है, तो जैसे ये 11 है तो 11 में ऐड करेंगे 15 मिनट, फिर ऐड करेंगे 15 मिनट और फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, तो ऐसे करके जो अभी शैडो है वो लगभग 11:40-41 मिनट हो चुके हैं। लेकिन ये है जो जयपुर का लोकल टाइम। अब इस लोकल टाइम में हम ऐड करेंगे आज का डिफरेंट कितना है 27 मिनट का, तो उसके अंदर हम अगर ऐड करते हैं 27 मिनट तो 12:08 यानी कि यहाँ जो शैडो है वो 11:41 पे। अब सर देखिए 15 मिनट यानी 30 मिनट, फिर 5 मिनट और 5 मिनट यानी कि 10 मिनट, ऐसे करके 11:40 और ये हो गया यहाँ 41 मिनट पे अभी शैडो है। आज का डिफरेंट है 27 मिनट, उसके अंदर 27 मिनट ऐड करेंगे तो हमारा जो टाइम है वो लगभग होगा 12:08 के आसपास। तो 12:09 के आसपास अपना यस देखिए ये हमारा टाइम शो कर रहा है, लगभग 12:08 अभी हो चुके हैं और ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इस यंत्र का नाम है यंत्र राज, यानी कि सारे यंत्रों का राजा। तो आप देख रहे हो सेंटर में जो होल देख रहे हो, ये होल यानी कि ये है जयपुर। और आपको पता है कि आकाशगंगा में कितने नक्षत्र होते हैं, तो नक्षत्र होते हैं 27 यानी कि 27 नक्षत्र। इस पे हर एक नक्षत्र का नाम मेंशन है, आपको नाम दिखेंगे जैसे रोहिणी, प्रेत, वस्वनी, ये सारे के सारे नक्षत्र हैं। कि ये जो सेंटर है इस सेंटर में हम टेलीस्कोप लगाएंगे, क्योंकि ये वाला जो यंत्र है ये रात में वर्किंग करता है टेलीस्कोप, और उस टेलीस्कोप को उसका जो फ्रंट पार्ट है वो रहेगा आकाशगंगा में नक्षत्र पे, और उसका जो बैक पार्ट रहेगा वो यहाँ जो नाम मेंशन है उसके ऊपर। तो जैसे ही हम इसमें मूवमेंट कराएंगे या उस टेलीस्कोप के उतने डिग्री पर मूवमेंट करवाएंगे तो उसका फ्रंट पार्ट तो रहेगा आकाशगंगा में और उसका बैक पार्ट रहेगा नक्षत्र के अंदर। तो जो बैक पार्ट रहेगा उससे ये पता लग जाएगा कि किस नक्षत्र में उस बच्चे ने जन्म लिया है। तो यहाँ से देखते हैं हम राशि, तो सूर्य अभी किस राशि में है, तो इसका शैडो देखिए, शैडो अभी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सूर्य जो है इस 6 राशियाँ क्वार्टर लाइन से नीचे 6 राशियाँ, अभी सूर्य अभी नॉर्दर्न साइड है और जो राशि अभी हमको देखने को मिलेगी वहाँ मेंशन है लाइन, तो वो देखोगे आप। तो अभी जो सूर्य है वो है मेष राशि में, जो सन है वो है मेष राशि में। पहले समय ज्ञान किया, फिर दिशा ज्ञान की, फिर सूर्य की स्थिति ज्ञान की कि सूर्य उत्तरायण है या दक्षिणायन है, उसके बाद में हमने ज्ञान किया कि सूर्य किस राशि में चल रहा है। और अब हम जाएंगे राशि वाला यंत्र में, ये किस राशि में है। तो हमने देखा सूर्य अभी मेष राशि में है, आप देख ही रहे हैं ये शैडो, तो ये यहाँ डिफरेंट मेंशन है, ये डिग्रियाँ हैं यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके, और ये 360 डिग्री हो गई, 330 डिग्री हो गई, ऐसे करके इसमें डिवाइडेड है। और उसी डिग्री से हम जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था यंत्र राज, उस यंत्र राज पे उतने ही डिग्री पे हम टेलीस्कोप लगाएंगे, और टेलीस्कोप लगाएंगे तो उससे ये भी पता चलेगा कि उस बच्चे ने किस राशि में, किस लग्न में, किस नक्षत्र में जन्म लिया है, और बच्चे की पूरी जन्म कुंडली तैयार होती थी उस ज़माने में। अभी हम जयपुर के जंतर मंतर में खड़े हैं, आपको बता दें कि जंतर मंतर ये है एक वैद्यशाला, और इसको बनवाने वाले थे जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय। उन्होंने पूरे भारत में 5 वैद्यशालाएँ बनवाई थी, पहली बनवाई दिल्ली में, फिर मथुरा, उज्जैन, बनारस, उसके बाद में लास्ट और फाइनल जो बनाई वो थी जयपुर की, और जहाँ चारों जगह कमी रही वो पूरा किया जयपुर में। और जंतर मंतर एक पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी है। जयपुर के जो राजा थे सवाई जयसिंह सेकंड, जब जयपुर बसाया तो उन्होंने 1724 से 1734 तक ये वैद्यशालाएँ बनवाई थी, और जयपुर की जो वैद्यशाला बनी वो 1728 से 1734 के बीच, लगभग 6 साल लगे इसको बनाने में। और ये एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि जयपुर के जो राजा थे सवाई जयसिंह सी, वो 17 लैंग्वेज जानते थे, और वो एस्ट्रोलॉजी थे, एस्ट्रोनॉमी थे, और मैथमेटिशियन थे। तो जंतर मंतर, जंतर मीन्स इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण, जो आप ये यंत्र देख रहे हो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट यंत्र है जंतर।
और मंत्र मीन्स कैलकुलेशन, यानी कि यंत्रों से किस तरह गणना करना, तो जंतर मंतर, यानी कि इसी वजह से ये पूरा इसका नाम जंतर मंतर है कि यंत्रों से कैसे कैलकुलेशन करें, कैसे इनसे गणना करें। उस ज़माने में ज्योतिष लोग यानी कि अपनी जन्म कुंडली पंचांग जो तैयार करते थे वो इसी यंत्रों से तैयार करते थे, और ख़ासकर ये दिन में वर्किंग करता है सन लाइट से, सूर्य के शैडो से, और नाइट में वर्किंग करता है मून शैडो से। तो ये इंस्ट्रूमेंट वर्किंग करेगा, अगर सन नहीं होगा तो ये इंस्ट्रूमेंट वर्किंग नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा आज बदल हो रखा है, देखते हैं, फिर भी शैडो आएगा तो ये वर्किंग करेगा। तो आपको एक्यूरेट टाइम, सन की स्थिति और राशि हर तरीके से आपको पूरे के पूरे यंत्रों पे लेके जाएंगे और उनकी एक्यूरेसी आपको बताते हैं। तो ये है जयपुर का जंतर मंतर, और जंतर मंतर उस ज़माने में कैलकुलेशन के लिए जयपुर के राजा ने बनाया, और मोस्टली ये 2010 में विश्व विरासत यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो आइए देखते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर का पहला इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्र उपकरण हम देखेंगे वो है, क्योंकि यहाँ कई उपकरण हैं जिसमें से जो वर्किंग उपकरण है जो आज काम कर रहे हैं उन्हीं यंत्रों को हम देखेंगे। तो पहला यंत्र देखते हैं, सामने है यंत्र राज। जो सामने यंत्र देख रहे हो उस यंत्र का नाम है यंत्र राज। आपको बता दें कि राजा ने पहले एक मॉडल तैयार करवाया और वहाँ पूरी एक्यूरेसी कंप्लीट फाइनली करने के बाद में फिर जो मॉडल था उसी से फाइनल बनवाया। तो आपको यहाँ जो यंत्र देखने को मिलेंगे वो एक जगह दो दिखेंगे, क्योंकि पहला वाला जो यंत्र है वो मॉडल है, उसके बाद में वाला जो यंत्र है वो है फाइनल। तो ये कैसे वर्किंग करता था वो दिखाते हैं आपको। इस यंत्र का नाम है यंत्र राज, यानी कि सारे यंत्रों का राजा। ये देखिए, ये मॉडल है और ये फाइनल है, ये फाइनल है यंत्र राज। ये 360 डिग्री से बना हुआ पूरा का पूरा, और आपको थोड़ा सा पास आइए मैं दिखाता हूँ। ये लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड रेखाएं यहाँ बनी हुई है, 360 डिग्री से ये बना हुआ है। उस ज़माने में ये मूमेंट भी होता था इसमें, यानी कि इसको इधर उधर ऐसे हिला के और डायरेक्शन भी देखा जाता था, ऐसे करके या ऐसे करके। तो आप देख रहे हो सेंटर में जो होल देख रहे हो, ये होल यानी कि ये है जयपुर। और आपको पता है कि आकाशगंगा में कितने नक्षत्र होते हैं, तो नक्षत्र होते हैं 27, यानी कि 27 नक्षत्र। इस पे हर एक नक्षत्र का नाम मेंशन है, आपको नाम दिखेंगे, जैसे रोहिणी, प्रेत, अश्विनी, ये सारे के सारे नक्षत्र हैं, और ये बारीक लिखे हुए हैं इसमें, ये नक्षत्र हैं। तो ये यंत्र काम कब करता था, जब हम डिग्री यानी कि राशि वाले यंत्र में जाएंगे और राशि से डिग्री कलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि ये जो सेंटर है, इस सेंटर में हम टेलीस्कोप लगाएंगे, क्योंकि ये वाला जो यंत्र है ये रात में वर्किंग करता है। तो यहाँ लगाएंगे हम टेलीस्कोप, और उस टेलीस्कोप को उसका जो फ्रंट पार्ट है वो रहेगा आकाशगंगा में नक्षत्र पे, और उसका जो बैक पार्ट रहेगा वो यहाँ जो नाम मेंशन है उसके ऊपर। तो जैसे ही हम इसमें मूवमेंट कराएंगे या उस टेलीस्कोप के उतने डिग्री पर मूवमेंट करवाएंगे, तो उसका फ्रंट पार्ट तो रहेगा आकाशगंगा में और उसका बैक पार्ट रहेगा नक्षत्र के अंदर। तो जो बैक पार्ट रहेगा उससे ये पता लग जाएगा कि किस नक्षत्र में उस बच्चे ने जन्म लिया है। तो ये वर्किंग करता है रात के समय। तो ये है यंत्र राज, सारे यंत्रों का राजा। अब हम देखेंगे सन डायल, यानी कि छोटी धूप घड़ी, यानी कि कैसे सन के साइडों से वो वर्किंग करती है, आज भी वर्किंग करती है। आपको बता दें कि जयपुर का लैटिट्यूड है वो 27 डिग्री पे बसा हुआ है, दिल्ली जैसे 28 डिग्री पे बसा हुआ है। तो जयपुर का लैटिट्यूड 27 डिग्री है। तो इसमें हम देखेंगे सन डायल यानी कि छोटी धूप घड़ी, और वो सन डायल है जो आज भी वर्किंग करती है, लेकिन हमको जो दिखाएगी वो यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट है वो दिखाएंगे सिर्फ जयपुर का लोकल टाइम, और उस लोकल टाइम में हमको ऐड करना है IST टाइम यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इलाहाबाद से प्रकाशित है, जो अपनी वॉच का, अपने मोबाइल का टाइम हमको दिखाएगा। तो सामने आप ये यंत्र देख रहे हो,
ये वाला यंत्र, इस यंत्र का नाम है लघु सम्राट यंत्र, यानी कि छोटी सन डायल, छोटी धूप घड़ी। ये 27 डिग्री पे लेटीट्यूड पे बची हुई है और ये जयपुर का लोकल टाइम दिखाएगी। यहाँ 6 स्टोन लगे हुए हैं ऐसे, तो एक स्टोन एक हावर को, एक घंटे को प्रदर्शित करता है। तो सुबह 6 से 12 का जो टाइम है, क्योंकि ईस्ट और ये वेस्ट, तो ईस्ट से जब सन राइज होगा तो उसका जो शैडो है वो आएगा इस तरफ। तो यहाँ एक स्टोन एक हावर को प्रदर्शित करता है। तो 6 स्टोन लगे हुए हैं, यानी कि सुबह 6 से 12 का टाइम ये वाला पार्ट शो करेगा और आफ्टर 12 से शाम का 6 बजे का जो टाइम है वो वाला पार्ट शो करेगा, क्योंकि सन हो जाएगा वेस्ट, उसका शैडो आएगा ईस्ट की तरफ, इसी वजह से 12 से 6 का टाइम ये वाला पार्ट शो करेगा। लेकिन जैसे ही 12 बजेंगे शैडो ना इधर आएगा ना इधर आएगा, क्योंकि इस वाले जो यंत्र की जो एक्यूरेसी है वो है 20 सेकेंड, यानी कि 20 सेकेंड तक का टाइम हम लघु सम्राट यंत्र से देख सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे वर्किंग करता है। ये जो यंत्र है वो जयपुर का टाइम दिखाएगा, लेकिन जयपुर के टाइम में हम जो मेंशन करेंगे वो रोज़ यहाँ डेट वाइज और डिफरेंट, इसका डिफरेंट यहाँ डिफरेंट, जैसे जयपुर का टाइम है उसका डिफरेंट ये है, ये है आईएसटी टाइम, इस डिफरेंट में ऐड करेंगे आईएसटी टाइम। देखिए ये स्टोन देख रहे हैं आप, एक स्टोन ये है, एक ये है, ऐसे करके 6 स्टोन है। आपको हिंदी में यहाँ मेंशन है 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 12 बजे तक का टाइम ये वाला पार्ट शो करेगा। ऐसे एक हावर को डिवाइड कर रखा है, एक हावर को डिवाइड कर रखा है 15-15 मिनट में, यानी कि 15-15 मिनट में, फिर 15 मिनट को डिवाइड कर रखा है 5-5 मिनट में, और 5 मिनट को फिर डिवाइड किया है 1-1 मिनट में, और 1 मिनट को फिर डिवाइड कर दिया 20-20 सेकेंड में। तो ऐसे करके इस वाले यंत्र की जो एक्यूरेसी है 20 सेकेंड है, और ये 20 सेकेंड तक का टाइम हमको शो करेगा। लेकिन जो टाइम शो करेगा वो जयपुर का लोकल टाइम शो करेगा, उस टाइम में हमको ऐड करना है आईएसटी टाइम और जयपुर के लोकल टाइम का डिफरेंट, जो यहाँ रोज मेंशन कर दिया जाता है डेट वाइज। तो आज का डिफरेंट है 27 मिनट्स। तो देखते हैं वर्किंग, आज थोड़ा सा बदल है, इस वजह से सन का शैडो में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे शैडो में आज थोड़ी सी समस्या आ रही है, नहीं बदल हो रही है ना, हाँ, इस वजह से हमको सन का जो शैडो है वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा। एग्जांपल के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे अगर सन का शैडो यहाँ है 11 बजे, तो ये 11 बजे सन का जो शैडो है यहाँ आएगा, तो यहाँ 11 बज रहे हैं वो, यानी कि जयपुर का लोकल टाइम हो रहा है। लेकिन उस 11 बजे में, उस लोकल टाइम में हम जो आज का डिफरेंट है वो ऐड करेंगे, तो आज का डिफरेंट है जैसे वहाँ मेंशन है 27 मिनट्स, तो 11 बजने के बाद में हम उसमें ऐड करेंगे 27 मिनट। तो जो आईएसटी टाइम है जैसे 11:27, यानी कि 11:27 हमारा वॉच का टाइम, हमारी घड़ी का टाइम होगा एग्जांपल के रूप में। तो आज थोड़ा सा सूर्य यहाँ बदल की वजह से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये वर्किंग नहीं है, क्योंकि यहाँ जंतर मंतर का पूरा काम, नो सन नो फन। तो ये है लघु सम्राट यंत्र, इसकी एक्यूरेसी है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड तक का ये टाइम हमको शो करेगा, 20 सेकेंड तक का टाइम हमको ये शो करेगा। और 12 से 6 बजे इवनिंग टाइम ये वाला पार्ट शो करेगा, मॉर्निंग टाइम वो वाला पार्ट शो करेगा। तो ये है लघु सम्राट यंत्र, यानी कि छोटी धूप घड़ी। अब देखते हैं हम, एक सेकंड मैं थोड़ा सा धूप का शैडो अब आपको दिखाई देने लग गया है। मैं बता देता हूँ कि सन का शैडो है अभी यहाँ आ रहा है, तो जैसे ये 11 है तो 11 में ऐड करेंगे 15 मिनट, फिर ऐड करेंगे 15 मिनट, और फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट। तो ऐसे करके जो अभी शैडो है वो लगभग 11:41 हो चुके हैं, 11:40 हो चुके हैं, लेकिन ये है जो जयपुर का लोकल टाइम। अब इस लोकल टाइम में हम ऐड करेंगे आज का डिफरेंट कितना है 27 मिनट का, तो उसके अंदर हम अगर ऐड करते हैं 27 मिनट, तो 12:08, यानी कि यहाँ जो शैडो है वो 11:41 पे। अब सर देखिए 15 मिनट यानी कि 30 मिनट, फिर 5 मिनट और 5 मिनट यानी कि 10 मिनट, ऐसे करके 11:40 और ये
हो गया यहाँ 41 मिनट पे अभी शैडो है, आज का डिफरेंट है 27 मिनट, उसके अंदर 27 मिनट ऐड करेंगे तो हमारा जो टाइम है वो लगभग होगा 12:08 के आसपास। तो 12:08 or 9 के आसपास अपना यस देखिए ये हमारा टाइम शो कर रहा है, लगभग 12:08 अभी हो चुके हैं और ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन अगर जयपुर का लोकल टाइम देखें तो जयपुर का लोकल टाइम अभी हो चुका है 11:41। ये ऐसे वर्किंग करता है। अब इसी के साथ हम दूसरा यंत्र देखेंगे, उस यंत्र का नाम है ध्रुव दर्शन पट्टिका, क्योंकि यहाँ राजा ने पहले टाइम देखा कि समय का ज्ञान हुआ, उसके बाद में समय के ज्ञान के बाद में उन्होंने दिशा का ज्ञान किया। दिशा का ज्ञान करने के लिए ध्रुव दर्शन पट्टिका एक यंत्र बना, ध्रुव दर्शन पट्टिका। ये सामने ये जो यंत्र है, इस यंत्र का नाम है ध्रुव दर्शन पट्टिका। आपको पता है जयपुर का लैटिट्यूड है 27 डिग्री पे और ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट है 27 डिग्री पे। जब आप नाइट को ये वर्किंग करेगा, क्योंकि हमेशा जो पोल स्टार है वो नॉर्थ में रहता है, तो यहाँ जब रात के समय जब इस वाले एरो से हम एक आँख लगा के जब देखेंगे, जो हमको स्टार दिखाई देगा वो है पोल स्टार, यानी कि ध्रुव तारा। तो यहाँ से दिशा ज्ञान हुई कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये इसी वजह से इस यंत्र का नाम रखा ध्रुव दर्शन पट्टिका। ये ध्रुव दर्शन पट्टिका। अब दूसरा यंत्र देखेंगे हम, नाड़ी वलय यंत्र। ये है नाड़ी वलय यंत्र। इस यंत्र की खास बात मैं बता दूँ आपको, टाइम के साथ साथ सन की लोकेशन देखते हैं, टाइम के साथ साथ सन की लोकेशन देखते हैं। ये वाला जो यंत्र है नाड़ी वलय यंत्र, तो टाइम तो देखेंगे ही, टाइम के साथ साथ सन की लोकेशन भी देखेंगे, यानी कि सूर्य 6 महीने दक्षिणायन रहता है और 6 महीने उत्तरायण रहता है। 21 मार्च और 23 सितंबर साल में 2 दिन सूर्य रहता है इक्वेटर लाइन पे, और इसीलिए राजा ने 2 दिन के लिए जो घड़ी बनाई है वो ऊपर बना रखी है। लेकिन ये वर्किंग करेगा यानी कि 20 मार्च से और 20 सितंबर तक जो इसमें वर्किंग करेगा ये नॉर्दर्न साइड, और फिर ये 23 सितंबर को ऊपर वाले यानी कि वेटर लाइन पे हो जाएगा, और फिर सदर्न साइड यानी कि 6 महीने ये वाला पार्ट वर्किंग करेगा, क्योंकि ये है दक्षिणायन और वो वाला पार्ट है उत्तरायण, तो 6 महीने वो वाला पार्ट काम करेगा, वर्किंग करेगा। तो बीच में आप जो ये देख रहे हो रोड लोहे की, ये है सन। इसमें जो स्टोन लगे हुए हैं ये 24 स्टोन है, हर एक स्टोन एक हावर को प्रदर्शित करता है, एक घंटे को, उसको डिवाइड कर रखा है 30-30 मिनट में। लेकिन ये भी आपको जयपुर का लोकल टाइम ही दिखाएगा, इस लोकल टाइम को आपको ऐड करना पड़ेगा, वो ही आपको जो आज का डिफरेंट है वो ऐड करना पड़ेगा। तो इस वाले यंत्र में आपको टाइम की लोकेशन दिखेगी, और टाइम की लोकेशन के साथ साथ आपको दिखेगी सन का डायरेक्शन, यानी कि सूर्य अभी उत्तरायण है या दक्षिणायन है। तो अभी ये वाला पार्ट काम नहीं कर रहा, क्योंकि सन जो अभी है वो है नॉर्दर्न साइड यानी कि उत्तरायण, और ये उत्तरायण रहेगा लगभग 20 सितंबर तक, ये 20 सितंबर तक उत्तरायण रहेगा। तो 6 महीने जो पार्ट वर्क करेगा ये दक्षिणायन वाला, सॉरी उत्तरायण वाला पार्ट वर्किंग करेगा, उत्तरायण वाला पार्ट नॉर्दर्न साइड ये वाला पार्ट अभी वर्किंग करेगा। और ये वर्किंग में भी है, आज थोड़े से बदल है इस वजह से सेम वही कंडीशन है, 6 महीने ये वाला पार्ट वर्किंग करेगा, 6 महीने वो वाला पार्ट वर्किंग करेगा। तो टाइम के साथ साथ सन की स्थिति भी देखी जाती है कि सूर्य किस दक्षिणायन है या उत्तरायण है। तो अभी सूर्य है उत्तरायण और ये रहेगा लगभग 22 सितंबर तक, क्योंकि 23 सितंबर को जो सन है वो क्वेटर लाइन पे आएगा, और क्वेटर लाइन यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन साल में ऐसे हैं, उसके लिए ऊपर बना रखी है वाच। तो बीच में आप जो लोहे की रोड देख रहे हो ये रोड है सन, इसको मानते हैं सन। इसका शैडो जहाँ आएगा वो टाइम भी दिखाएगा, उसी लोकल टाइम में ऐड करेंगे IST टाइम, और सन का डायरेक्शन भी दिखाता है। तो इस वाले यंत्र का नाम है नाड़ी वलय यंत्र।
ये जो यंत्र है, ये यंत्र है जय प्रकाश यंत्र। इसका नाम है जय प्रकाश, यानी जय यानी जयपुर के जो राजा हैं सवाई जय सिंह, और यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट, और प्रकाश यानी कि सन से वर्किंग, जय प्रकाश यंत्र। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ए पार्ट और बी पार्ट, और ये वर्किंग करता है। इसका जो मिसिंग मार्बल है वो इस वाले पार्ट में है, और उसका मिसिंग मार्बल इस वाले पार्ट में है। एक घंटा वर्किंग ये करता है, एक घंटा वर्किंग वो करता है। पूरा का पूरा इस यंत्र का नाम है जय प्रकाश यंत्र। जैसे 360 डिग्री से ये पूरा बना हुआ है। लोहे की जो आप सामने ये लोहे की प्लेट देख रहे हो, ये है सन, यानी कि ये है सन। इसका शैडो जहाँ गिरेगा तो इससे ये पता चलेगा कि सन अभी किस राशि में चल रहा है। तो सामने आप जो लाइन देख रहे हो, गहरी ब्लैक कलर की जो लाइन है वो है क्वार्टर लाइन, यानी कि छह राशियां क्वार्टर लाइन के ऊपर है और छह राशियां क्वार्टर लाइन के नीचे है। बीच में जो डिफरेंट, अगर इसका शैडो बीच में आएगा तो ये वाला पार्ट वर्किंग कम नहीं करेगा, वो वाला पार्ट वर्किंग करेगा, क्योंकि एक घंटा वर्किंग ये करेगा और एक घंटा वर्किंग वो करेगा। सामने आप देखिए, आपको शैडो दिखाई देगी, यानी कि ये सन, और उस सन का जो शैडो है वो आपको दिखाई देगा वहाँ। जो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है क्वार्टर लाइन, और आइए, और इस क्वार्टर लाइन के ऊपर छह राशियां हैं, छह राशियां इसके नीचे हैं। तो हाँ, तो यहाँ से देखते हैं हम राशि, तो सूर्य अभी किस राशि में है। तो इसका शैडो देखिए, शैडो अभी यहाँ दिखाई दे रहा है, तो सूर्य जो है इस छह राशियां क्वार्टर लाइन से नीचे, छह राशियां अभी, सूर्य अभी नॉर्दर्न साइड है, और जो राशि अभी हमको देखने को मिलेगी वहाँ मेंशन है लाइन, तो वो देखोगे आप। तो अभी जो सूर्य है वो है मेष राशि में, जो सन है वो है मेष राशि में। तो ये मिसिंग मार्बल भी इसलिए छोड़ा गया क्योंकि अंदर जाने के लिए एक रास्ता रहे, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर ऐसे हो जाता तो इसकी कैलकुलेशन नहीं हो पाती। तो मिसिंग मार्बल, इसीलिए इसका मिसिंग मार्बल उस वाले पार्ट में है, और ज्योतिष लोग अंदर जाके पूरी सटीक रूप से इसकी कैलकुलेशन कर सके, इसी वजह से ये सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो अंदर जाके रास्ता भी है, एक वाला रास्ता इस साइड से है, उधर से है रास्ता। तो अंदर जाते ज्योतिष लोग अंदर जाके, और एक्यूरेसी जो कैलकुलेशन है, पूरी की पूरी सटीक जानकारी कि सूर्य किस राशि में है। आप देखिए सामने शैडो है, तो अभी सन है वो मेष राशि में है, इस वजह से ये पूरी की पूरी ये जय प्रकाश यंत्र है। इसमें हम सन की स्थिति और राशि देखते हैं। आइए अब चलते हैं राशि वाले यंत्र में। जब हमने देखा, पहले समय ज्ञान किया, फिर दिशा ज्ञान की, फिर सूर्य की स्थिति ज्ञान की कि सूर्य उत्तरायण है या दक्षिणायन है। उसके बाद में हमने ज्ञान किया कि सूर्य किस राशि में चल रहा है, और अब हम जाएंगे राशि वाले यंत्र में। 12 की 12 राशियों के अलग अलग लैटिट्यूड पे ये राशियां बनाई हुई है, और इन राशियों पे, जैसे हमने यहां अभी देखा कि सूर्य मेष राशि में है, तो हम मेष वाली राशि में जाएंगे, वहाँ से हम देखेंगे राशि कितने डिग्री, यानी कि उस राशि से हम लेंगे डिग्री, और उसी डिग्री से हम, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था यंत्र राज, उस यंत्र राज पे उतने ही डिग्री पे हम टेलीस्कोप लगाएंगे, और टेलीस्कोप लगाएंगे तो उससे ये भी पता चलेगा कि उस बच्चे ने किस राशि में, किस लग्न में, किस नक्षत्र में जन्म लिया है, और बच्चे की पूरी जन्म कुंडली तैयार होती थी उस जमाने में। सन की स्थिति हमने देखी कि सूर्य किस राशि में है, और फिर हम आए हैं राशि वलय यंत्र में। राशि वलय यंत्र में आए हैं, यहाँ सारी की सारी 12 राशियाँ हैं, और इन 12 राशियों के 12 की 12 राशियाँ हैं कि सूर्य हमने देखा कि अभी है जो मेष राशि में है। तो हम मेष राशि में जाएंगे और वहाँ से लेंगे डिग्री, और डिग्री भी, क्योंकि हर राशि अपने एक लैटिट्यूड पे बनाई गई है, और वहाँ से लेंगे डिग्री। और डिग्री लेने के बाद में हम रात को जाएंगे यंत्र राज पे, और वहाँ टेलीस्कोप लगाएंगे उतने ही डिग्री पे, जिससे हमें पता चलेगा कि किस नक्षत्र में बच्चे ने जन्म लिया है। उस जन्म के आधार पे ही पूरी की पूरी जन्म कुंडली बच्चे की तैयार होती है, और ऐसे उसके भूत भविष्य का पता लगाया जाता है। और ये पूरा का पूरा एक एस्ट्रोलॉजी है, पूरा का पूरा जंतर मंतर एक एस्ट्रोलॉजी है। तो अब हम चलेंगे मेष राशि।
ये है राशि वाला यंत्र, यानी कि राशि वाला यंत्र। तो अभी हमने पता किया कि सूर्य किस राशि में है, तो हमने देखा सूर्य अभी मेष राशि में है, आप देख ही रहे हैं ये शैडो। तो ये यहाँ डिफरेंट मेंशन है, ये डिग्रियाँ हैं यहाँ, एक डिग्री, दो डिग्री ऐसे करके, और ये 360 डिग्री हो गई, 330 डिग्री हो गई, ऐसे करके इसमें डिवाइडेड है। तो हम देखेंगे अभी 360 डिग्री ये हो गई, उसके अंदर ये शैडो दिख रहा है, तो लगभग ये है, इसके अंदर हम माइनस करेंगे 3 डिग्री, और ऐसे करके लगभग देखेंगे तो 357 डिग्री के आसपास टेलीस्कोप लगाएंगे, और वो टेलीस्कोप लगाएंगे यंत्र राज पे, और वो टेलीस्कोप लगाएंगे तो उससे ये पता चलेगा कि नक्षत्र किस राशि में है। तो ग्रह नक्षत्रों की जानकारी है, डिग्री यहाँ से कलेक्ट करके और यंत्र राज पे लगाते हैं, और वहाँ से आकाशगंगा से हमको रात्रि के समय जो डिग्री, जो नक्षत्र दिखाई देगा, उसका फ्रंट पार्ट होगा नक्षत्र के ऊपर और उसका बैक पार्ट होगा यंत्र राज के ऊपर, जो मेंशन है नक्षत्र। तो यहाँ से पूरी की पूरी हमें ये पता चल जाएगी कि उस बच्चे ने उस नक्षत्र में जन्म लिया है। ये है पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी। और अब हम इसी के साथ आपको दिखाएंगे संसार की सबसे बड़ी धूप घड़ी, जो जयपुर के जंतर मंतर में आज भी वर्किंग कर रही है और आज भी स्थित है और अपने सन के शैडो से वर्किंग में है। उसकी एक्यूरेसी है 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड तक का टाइम हम उस यंत्र से देख सकते हैं, जो बिगेस्ट इन द वर्ल्ड सन डायल धूप घड़ी। ये सामने जो यंत्र देख रहे हो ये है वृत्त सम्राट यंत्र, यानी कि बिगेस्ट सन डायल, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी धूप घड़ी है वो ये है जयपुर के जंतर मंतर में, और ये वर्किंग में है आज। और इसकी जो एक्यूरेसी है, जो हमने लघु सम्राट यंत्र देखा था उस वाले यंत्र से, यानी कि छोटी सन डायल से, ये 10 गुना बड़ी है। यानी कि उसकी जो एक्यूरेसी थी वो 20 सेकेंड थी, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो 2 सेकेंड है। यानी कि इसके अंदर हम सेम उसी तरीके से 2 सेकेंड तक का टाइम भी हम देख सकते हैं। तो आज का हमने डिफरेंट देखा 27 मिनट, जो ISD टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन जो लोकल टाइम है उसमें जो डिफरेंट आ रहा है, कम से कम डिफरेंट रहता है 11 मिनट का, और हाईएस्ट डिफरेंट रहता है लगभग 44 मिनट तक का। तो ये वाला पार्ट वही मॉर्निंग में 6 से 12, यानी कि ये जो पार्ट है AM, और वो वाला पार्ट है PM, यानी कि 6 से 12 वाला जो टाइम शो करेगा ये वाला पार्ट, और 12 से 6 का जो टाइम शो करेगा वो वाला पार्ट। तो ये संसार की सबसे बड़ी धूप घड़ी है, जो आज भी वर्किंग में है। इसके अंदर उससे 10 गुना बड़े स्टोन लगा रखे हैं, जो सामने आप देखोगे मार्बल के स्टोन जो देखोगे वो लगा रखे हैं, उससे 10 गुना बड़े हैं, और 4 स्टोनों को मिलाकर 1 हावर बनता है। वहाँ 4 स्टोनों को लगाकर 1 हावर बनता है, ऐसे करके उससे 10 गुना बड़ा यंत्र है। सेम ऐसे की ऐसे वर्किंग में है। आज थोड़े बदल हो रहे हैं, इस वजह से शैडो का पूर्ण रूप से पता नहीं चल रहा, क्योंकि नो सन नो फन ये वर्किंग करता है सन के शैडो से। तो सुबह 6 से 12 का टाइम शो ये करेगा, और आफ्टर 12 to 6 PM वो वाला पार्ट शो करेगा, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो 2 सेकेंड की है। जैसे ही अगर 12 बजेंगे तो ये वाला पार्ट काम नहीं करेगा, सन का शैडो नहीं आएगा, लेकिन 12 बज के जैसे ही 2 सेकेंड होते हैं इसका शैडो आएगा उस साइड में। जंतर मंतर से जब आप दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी पे आओगे और जब ये धूप घड़ी देखोगे, तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें और दिखाई देगी, वो है जयपुर का रॉयल पैलेस, यानी कि सिटी पैलेस, जो सामने आप देख रहे हैं ये है सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस में स्थित ये है चंद्रमहल पैलेस, यानी कि जयपुर के राजा का पैलेस, और जयपुर के वर्तमान राजा इस वाले पैलेस में अभी निवास करते हैं। सामने 2 फ्लैग लगे हुए हैं, पचरंगी फ्लैग। तो बड़ा वाला जो फ्लैग लगा हुआ है वो फ्लैग है जयपुर राज्य, यानी कि कुश डायनेस्टी का फ्लैग, और जो छोटा वाला फ्लैग है वो फ्लैग ये आपको उसका एक डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन ये देता है कि जो जयपुर के जो राजा हैं अगर वो इस पैलेस में हैं तो ये छोटा वाला फ्लैग आपको लगा हुआ मिलेगा, और अगर आउट ऑफ पैलेस है या आउट ऑफ जयपुर है तो छोटे वाले फ्लैग को हटा लिया जाता है। तो उस ज़माने में जो प्रजा होती थी
आम लोग होते थे वो इस फ्लैग से ही पता लगाते थे कि जयपुर के जो राजा हैं अभी सिटी पैलेस के चंद्र महल में है या नहीं है। तो अभी दोनों फ्लैग आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जयपुर के जो राजा हैं वो अभी चंद्र महल पैलेस में ही है, यानी कि सिटी पैलेस के अंदर हैं। तो उस ज़माने में ये फ्लैग से जो आम लोगों की जो समस्या होती थी वो इस फ्लैग से ये पता लगा के कि राजा यहीं है, और वो अपनी समस्या राजा के पास ले जाकर उनको बताते थे और राजा से उनका मिलना होता था, और वो अपनी समस्या उस ज़माने में दास वगैरह रहते थे, दासों से कहते थे, ऐसे करके वो समस्या राजा के पास जाती थी और राजा उनकी समस्या का समाधान करते थे। लेकिन जैसे ही आपको छोटा वाला फ्लैग नहीं दिखेगा तो आम लोग समझ जाते थे कि राजा आउट ऑफ जयपुर है या आउट ऑफ चंद्र महल पैलेस है। इसी वजह से ये फ्लैग, छोटे वाले फ्लैग का ये डायरेक्शन है। बड़ा वाला जो फ्लैग है वो कुछ डायनेस्टी का जयपुर राज घराने का फ्लैग है, पचरंगी फ्लैग, जो मानसिंह जी के कार्यकाल में, मानसिंह प्रथम के कार्यकाल में उन्होंने पचरंगी फ्लैग, क्योंकि झाड़साई फ्लैग था वो जयपुर का था, वाइट कलर का एक फ्लैग था और उस पर एक झाड़ी थी, टहनी, 6 टहनियों की, लेकिन मानसिंह ने एक साथ 5 कबीले जीते और फिर हर एक कबीलों का एक फ्लैग लेके अपना जयपुर का एक फ्लैग बनाया, पचरंगी फ्लैग, जो आज भी जयपुर का फ्लैग है। और उसी चंद्र महल के बाहर अगर आप थोड़ा सा नज़र उठा के देखेंगे तो जो अरावली पर्वतमाला आपको दिखाई दे रही है, और उस अरावली पर्वतमाला के ऊपर जो फोर्ट दिख रहा है वो है नाहरगढ़ का फोर्ट। जयपुर में मोस्टली एक आमेर का फोर्ट है, एक जयगढ़ का फोर्ट है और नाहरगढ़ का फोर्ट है। सामने उस अरावली पर्वतमाला के ऊपर में आप जो दो फोर्ट देख रहे हो वो फोर्ट है नाहरगढ़ का फोर्ट, और वहाँ सनराइज और सनसेट पॉइंट भी है, और वहाँ से जयपुर का नज़ारा इतना शानदार, इतना खूबसूरत दिखाई देता है, पूरे जयपुर का व्यू वहाँ से दिखाई देता है, और वो वाला जो फोर्ट है वो है नाहरगढ़ का फोर्ट। जी सर, अब हम आ चुके हैं जंतर मंतर के एग्जिट गेट से, और इसी तरीके से हमारा पूरा जंतर मंतर व्यू किया और इसको पूरी तरीके से समझा, देखा, जाना, और अब हम चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आइटनरी वाला, वो है हवा महल। तो अब हम इसके बाद में देखेंगे जयपुर का हवा महल।